दोस्तों, मैं अर्जुन पवार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पहाड़ी बोटिया में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपने जो भी पहाड़ी कुत्तों के गले में देखा होगा पट्टा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो आप होममेड कैसे बना सकते हो। तो ये जो आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पट्टे बनाने का मेटल है। आप दूसरे मेटल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसका यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारे भाई जी हैं जो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि आप घर में पट्टा कैसे बना सकते हो अपने कुत्ते के लिए। तो अभी ये काट रहे हैं उसको, दो हिस्सों में काटेंगे ये, इस चद्दर को दो हिस्सों में काटेंगे और फिर ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि ये इससे आप पट्टा कैसे बना सकते हो अपने कुत्ते। अभी इन्होंने ये दो हिस्सों में काट लिया है और अभी जो देख रहे हैं आप वीडियो में कि इस पर कुछ लाइन मार रहे हैं, तो जो ये लाइन मार रहे हैं, ये जो इसके स्पाइक होते हैं, दांत होते हैं, जो इसलिए मार रहे हैं कि वो दांत छोटे बड़े ना हो जाएं, इसलिए ये लाइन मारी जा रही है। तो नाप के हिसाब से ये स्पाइक बना रहे हैं इसमें, आप जैसे कि वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये स्पाइक बन रहे हैं छोटे छोटे। तो आप अपने कुत्ते के पट्टे के लिए छोटे स्पाइक भी रख सकते हैं, बड़े भी रख सकते हैं, वो आप पे बात है कि आप कैसे स्पाइक रखते हो। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि ये कुछ निकाल रहे हैं, तो ये वो चीज़ निकाल रहे हैं जो कि इसमें जो स्पाइक के बीच में जो वेस्टेज है वो निकाल रहे हैं इससे। तो जो इसकी आधा प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है, आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ इसका स्पाइक है इसमें। तो बीच में जो स्पाइक मुड़े हुए हैं वो इससे सीधा कर रहे हैं उसको, ताकि जब इसको गोल आकार दिया जाए इसमें कोई दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं कि इसको मोड़ रहे हैं, जो स्पाइक हैं, दांत हैं, वो अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं इसको, ताकि इसको एक परफेक्ट शेप मिल सके। अब इसमें जो दो हिस्से थे वो अब मिक्स करेंगे उसको, एक साथ जोड़ेंगे उसको, बीच में रिबिट की सहायता से इसको मिक्स कर देंगे। अभी इसमें
कील से होल किया कर रहे हैं। तो जो अभी इसमें होल किए गए हैं तो इसमें अभी हम रिबिट मारेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि इसमें रिबिट मार रहे हैं ताकि ये एक साथ जुड़ जाए। तो अभी लगभग इसका काम पूरा हो चुका है तो भाई इसको एक गोल शेप देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इसको बीच से मोड़ रहे हैं कि इसको एकदम परफेक्ट शेप दिया जाए। आप चाहे तो इसमें कुंडी भी लगा सकते हो ताला लगाने के लिए, लेकिन हमने नहीं लगाया इसमें ताला लगाने के लिए कुंडी।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हो कि ये बनके तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।